तिलोई तहसील में लेखपाल पर अवैध कब्जा करने का आरोप। दबंग लेखपाल के खिलाफ नहीं हो रही कोई कार्रवाई। लेखपाल मानस शुक्ला के रसूख के आगे गांव वाले बेबस। प्रधान और गांव वालों ने छेड़ा लेखपाल हटाओ अभियान। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अमेठी जिले के तिलोई तहसील के दादूपुर ग्राम पंचायत में 3 साल से तैनात लेखपाल मानस शुक्ला पर गांव वालों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। हमारी ग्राम पंचायत में मानस शुक्ला लगभग 3 वर्षों से तैनात है। गाटा संख्या 1031 समझौता कठोरा राजमार्ग पर यह नंबर है। बेशकीमती जमीन है जिसपे अवैध रूप से निर्माण करवाया जा रहा है। इसका पट्टा लगभग 1 बिस्वा का है, लेकिन 2 बिस्वा जमीन नाप करके अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। हम लोगों ने इसको उप जिलाधिकारी को अवगत कराया, थाना दिवस में अवगत कराया था। उसके बाद तत्काल कार्रवाई हुई, काम रुकवा दिया गया। राजस्व निरीक्षक पांडे जी आए, मौका देख कर वापस चले गए। अभी तक संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मानस शुक्ला को हमारी ग्राम पंचायत से हटवाया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ की जो भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। गांव वालों ने बताया कि उप जिलाधिकारी तिलोई और जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि दबंग लेखपाल काफी रसूख और पहुंच वाला है, जिसके चलते अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। श्री मानस शुक्ला लेखपाल हल्का जो विगत कई वर्षों से हमारी ग्राम सभा में तैनात है, इनके द्वारा पट्टा पैमाइश की जाती है, परंतु उल्टा सीधा नाप करके लोगों को बरगला करके इधर उधर तमाम समस्याएं खड़े कर देते हैं, जिससे कि जनता में उहापोह की स्थित है। और ये हमारे गांव के नज़दीक के रहने वाले हैं, तो समरौता कठोरा मोड़ पर 1031 गाटा संख्या की पैमाइश इन्होंने की, जिसमें 1 बिस्वा के पट्टे पर 2 बिस्वा नाप करके बता दिया। और अगला व्यक्ति जो बना रहा है उसको जब मैंने मना किया तो वो इन्हीं को बताया कि वो लेखपाल द्वारा हमें बताया गया है, जिससे कि मैं थाना सिवतनगंज तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया एवं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय तहसील तिलोई में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने तत्काल निर्माण को रुकवाया। उसके बाद श्री पांडे जी जो हमारे यहाँ राजस्व निरीक्षक हैं, उनके द्वारा हमारी ग्राम सभा में 1031 गाटा संख्या की पैम को तो वो की गई, परंतु कोई भी निर्णय नहीं दिया गया, ना कुछ बताया गया, ना किसी भी प्रकार की कोई सूचना है, जिससे हम लोग जिससे लेखपाल यहीं पाकर गांव नज़दीक के रहने वाले हैं, जिससे और हम लोगों को इनके रहने से बहुत परेशानी है, जनता में ज़्यादा आक्रोश पैदा हो रहा है। इनको तत्काल यहाँ से हटा करके हमारे ग्राम सभा में जो इन्होंने कृत्य किया है उसकी पैमाई उसकी जो है जांच करवाई जाए, जांच करवा करके तब कार्यवाही की जाए। गांव के आधा दर्जन लोगों ने इस मामले में लेखपाल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने मोटी रकम लेकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। समस्या ये है हमारी कि हमारे ग्राम सभा में लेखपाल मानस शुक्ला रहते हैं, इस समय भी हैं, तो हम और प्रधान जी दोनों लोग जो है जनता दिवस में एक एप्लीकेशन लेकर गए थे देने के लिए, तो उसको उन्होंने लिया और एक पवन कुमार राम केवल का पट्टा का जमीन जो नापा था उसमें 2 बिस्वा का उन्होंने नाप दिया, जबकि 130 वर्ग मीटर का पट्टा उनका हुआ था। और उतनी समय हम लोग जब बैठे थे तो उन्होंने सेल्फी लिया और ये किया वो किया, इसी तरह का जो है एक डरवाने वाली सी बात है। फ़ोन पर भी हमको कहा कि जो है तुम और सदाशिव तिवारी और रामकिशोर आना और SDM के साहब के सामने सारी बात बताना, तो ये सब क्या हो रहा है, ये तो धमकाने वाली बात ही हो रही है। तो इस तरह से दिक्कतें हम लोगों को आ रही हैं और हमारे ही करीब के गाँव के तिलोई के बगल में ही पाकर गाँव है, ये लोकल के भी बैठते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा एक दबाव भी बनता है हम लोगों के ऊपर की करीब के हैं, तो ऐसा ना हो कि लोकल के होने के कारण जो है ये हमारा इनका कोई बात विवाद हो जाए, तो इस बात विवाद हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों से कोई बात विवाद हो, इनको कहीं दूर जगह पर भेजा जाए।
ग्राम पंचायत के प्रधान सहित जनता ने भी लेखपाल के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। लेखपाल मानस शुक्ला द्वारा तमाम जने की भूमि खड़ी जमीनों को नाप करके इनको उनको बताना, उनको दे देना, इनको उनसे लड़ाना, उनको उनसे लड़ाना। दूसरी बात यह स्तर की जो है, अभी 1031 नंबर में हमारी ही ग्राम सभा में जो समरोता कठौरा मार्ग पे है, उस पे सर जो है इन्होंने एक पिस्से, जबकि 20 फीट 20 बाई 50 का उसका रकबा बनता है, इनको 60 फीट ज़मीन 60 बाई 50 में इनको नाप कर दे दिया और सारे पिलर भी खड़े करवा दिए सर। और हमें तो ये पता चला है कि 1.5 से 2 लाख रुपये में इसका सौदा भी। तो मैं चाहता हूँ सर कि इस लेखपाल को मेरी ग्राम सभा से हटा करके किसी दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, पुनः इसकी जांच की जाए और फिर उचित कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे में अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से गांव वालों में भागरी आक्रोश है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में प्रशासन कोई कार्रवाई करे। अमेठी से यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook के जरिए हमसे जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।